प्यारे बच्चों, आपका आज हिंदी की तीसरे दिन की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर सही होंगे, सुरक्षित होंगे। दो पिछले दिनों में हमने जो है वसंत का पार्ट एक, उसकी कविता वह चिड़िया है जो पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको कविता को पढ़ाया, उसके कठिन शब्दों के अर्थ कराए, कविता की व्याख्या कराई और प्रश्नों के उत्तर करवाए। और इसी के साथ मैंने आपको उसका एक परियोजना कार्य दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो कार्य कंप्लीट कर लिया होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, और आपको वो कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। आज तीसरे दिन में हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण, आपकी व्याकरण की पुस्तक का नाम है स्पर्श हिंदी व्याकरण। इसका जो पार्ट एक है वो है भाषा विचार। भाषा हम सभी बोलते हैं, हमें पता है, लेकिन भाषा के ऊपर आज हम विचार करेंगे कि भाषा होती क्या है। अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार, हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं, तभी वह उसकी बात को समझ पाता है। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? आपने सही पहचाना, भाषा। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात को क्या समझा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है, समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। अगर हम संकेत के माध्यम से कुछ अपनी बात को कहना चाहें, वो भाषा नहीं है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? भाष, जिसका अर्थ है वाणी। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु वे भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियाँ निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वे अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात को समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। अब हम देखेंगे कि भाषा में भाषा क्या है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करता है। संकेत के माध्यम से हम कुछ बात कर रहे हैं, वो भाषा नहीं होती। अगर हम कुछ एक दूसरे को थोड़ा बहुत नहीं क्लियर समझा पा रहे, वो भाषा नहीं होती। सही मायनों में भाषा का अर्थ है कि भाषा वह माध्यम है, वो तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को और अपने भावों को आदान प्रदान करता है, एक दूसरे के साथ में उसका आदान प्रदान करता है, वो होती है भाषा। अब भाषा के जो है परिभाषा को जानने के बाद हमें कुछ बातों पे इस पे हम गौर करते हैं। पहला है, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। कि भाषा एक ऐसे ही नहीं कि ध्वनि ऐसे ही बन गई, सार्थक ध्वनि होती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य रचना की व्यवस्था भी होती है। मैं दोबारा से इस बात को आपको अच्छे से समझाती हूँ कि भाषा के क्या-क्या लक्षण होते हैं। पहला, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। दूसरा, भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। तीसरा, भाषा मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। चौथा,
प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। ये है हमारा भाषा। अब भाषा के रूप भी होते हैं। कितना प्रकार हैं भाषा के? भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है कि जैसा आपको पता है कि हम कुछ चीज़ बोल रहे हैं मुंह से, वो मौखिक भाषा हुई। इसकी परिभाषा देखेंगे। भाषा की जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है, कि हम अपने भावों को या विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर रहे हैं, या तो बोलकर करें या फिर सुनकर, वो भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, वार्तालाप, आपस में बातचीत करना, काव्य पाठ, किसी को पढ़ना, कहानी सुनाना, भाषण देना, समाचार वाचन, समाचार को पढ़ना, वाद विवाद करना, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम जो हम सुनते हैं, वो सब आ जाते हैं मौखिक में, क्योंकि मौखिक के अंदर हमेशा याद रखेंगे बोलकर या सुनकर, आप कुछ इस बोलें या उसको सुनें, वहाँ पर आता है मौखिक भाषा। इसके बाद दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा में भाषा के जिस रूप से भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, जैसे कि मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर था, लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का जब हम आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण है इसके, जैसे कि पत्र, समाचार पत्र, जो सभी लिखित रूप में होते हैं, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण आदि। एक बार हम दोबारा इन दोनों को देखते हैं। मौखिक भाषा में भाषा का वो रूप जिसमें हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। और जहाँ पर हम विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर करते हैं, वहाँ पर होती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा में हमेशा ज़रूरी है कि कोई चीज़ लिखित में हो या उसको हम पढ़ें। इसके बाद में हमने भाषा का परिभाषा की, भाषा के रूपों को देखा। अब जैसे कि अब आपको घर पर क्या करना है कि आप देखिए अपने जो बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, रूपों को लिखिए कि कौन कौन से रूप हो सकते हैं भाषा के, मौखिक रूप है या लिखित रूप। जैसे कि अध्यापिका का कक्षा में पढ़ाया जाना, अगर मौखिक है तो मौखिक रूप, ठीक है। और गृह कार्य करना, उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य करना, तो लिखित रूप। इस तरह से आप रूप को पहचानिए। आपको आप क्या करना है, अपना भाषा की अच्छे से परिभाषा करेंगे। भाषा क्या है? भाषा सांकेतिक रूप नहीं होता। भाषा क्या होती है? इसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करता है, उसी को ही हम भाषा बोलते हैं। भाषा का कोई भी जो है मौखिक रूप होता है भाषा का, और लिखित रूप होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, और भाषा का मौखिक रूप लिखित रूप की अपेक्षा अधिक सरलता से परिवर्तित होता रहता है। इसके विपरीत लिखित भाषा रूप को बदलने में लंबा समय लगता है। लिखित भाषा के द्वारा हम हजारों वर्ष पहले तक की वर्ण व्यवस्था से परिचित रहते हैं, क्योंकि उसका एक हमारे पास रिकॉर्ड होता है लिखे हुए का, तो हम उससे परिचित रहते हैं। और इसी के द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान को पीढ़ियों से संप्रेषित करता चला रहा है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए ही लिखित भाषा का विकास हुआ। तो आज की कक्षा में सिर्फ हम आज भाषा विचार ही करेंगे। इसका जो आगे है लिपि, बोली, वो हम कल करेंगे, और व्याकरण, ठीक है, अगली कक्षा में करेंगे। आज से आपको घर पर अपने जवाब हैं घर पे अपने, तो आप इसको याद कीजिए, भाषा के रूप लिखिए, और कुछ 5 उदाहरण आप मौखिक भाषा के लिखिए और 5 भाषा उदाहरण आप लिखित भाषा के लिखिए। मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप उसको अच्छे से दोबारा पढ़िए और अपना कार्य गृह कार्य कीजिए। धन्यवाद।